भारत 6 मरतबा में हरा चुका है T20 वर्ल्ड कप में, और मैंने हर दफा भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकल देखी है। दुआ करें इस मरतबा जब मैं दुबई में हूं तो ये ना देख सके। हटके फ्लावर हो जाएगा। इशू ये है और मैं कह रहा हर पाकिस्तानी के इशू है कि हमारा मैच है पहला इंडिया से। मैं चाहता हूँ कि हमें बताएं, सारे जानना चाहते हैं कौन सी टीम होनी चाहिए। बस हम इंडिया से हम जीत जाएंगे तो मेरा तो वर्ल्ड कप हो गया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इस वक्त दुनिया तैयारी कर रही है T20 वर्ल्ड कप की। हमारे पास अभी तक यही डिबेट खत्म नहीं हुई कि हमारे कौन से 15 खिलाड़ी जाएंगे, हमारा हेड कोच कौन होगा, प्लानिंग कौन करेगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इंडिया अगर आप पे सरप्रस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बल बोते पे कर रहा है, पैसे पे कर रहा है? मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की इज्जत नहीं होती मालिक भाई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान को भूखा नंगा बोलूं तो आपको ये लगेगा कि हाँ नहीं ये इंडियन है, बोल सकता है, यही हमारी भावना ऐसी है। लेकिन एक पाकिस्तानी जिसने नेशनल टीम के अंदर 20 साल गुजारे, दुनिया का महान फास्ट बॉलर जिसको दुनिया रावलपिंडी एक्सपेक्ट बोलती थी, अभी भी बोलती है, एक समय दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकने वाला बॉलर, आज अपने घर के हालातों से इतना दुखी हो गया कि उसके मुंह पे सारी सच्चाई टपक रही है, बरस रही है। ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनके दावे कितने खोखले हैं वो आज आपका भाई बताएगा आपको। आपके लिए चुनिंदा वीडियो क्लिप चुन के लाया आपका भाई आपके लिए, ताकि आप देखो और आपको पता चले कि इनकी असली औकात क्या है। ठीक है, शोएब अख्तर की कही हुई एक एक बात आप लोगों को भी सुननी चाहिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आनंद भी आएगा, ये गारंटी मेरी है, नहीं तो पैसे वापस। ठीक है, जरा पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, टीम की अब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 2-4 हफ्ते की बात। टीम की यार हमें समझ नहीं आ रही, वो पहले बड़ी आसान था जब आप लोग खेलते थे, सारे बड़े बड़े नाम थे, लेजेंड्स थे, हमारे भी दिल को तसल्ली होती थी। पहला मैच हमारा इंडिया पाकिस्तान का, जब इनके स्टैट्स देखे तो दिल डूब जाता है। 12 मैच हुए, 11 के 11 हमारे में, एक जो सा वो ड्रॉ था, क्या था वो भी, वैसे वो फाइनल बॉल पर तो जीत गए थे। हमारा रिकॉर्ड है इसके अंदर T20 का और ये वर्ल्ड कप का, आईसीसी का, बड़ी क्लियर आई है। उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो कंट्रोल आप कर रहे हैं, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उसी का ब्लॉक है, ये जो प्लेयर्स थे, ये तमाम जो इंग्लैंड वाले भी, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल भी खेलना था, अभी दुबई में हमारी डेट्स भी क्लैश कर रही थी, उस साथ ही उनको फटीग आ गई, बहाने बन गए उनकी, एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन नोट की बड़ी पावर है। देखिए इंडिया अगर आप पे सरप्रस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बल बोते पे कर रहा है, पैसे पे कर रहा है? मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की इज्जत नहीं होती मालिक भाई, उन लोग आपकी बात सुनेंगे। आप पैसों पे रिलाय करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है, दिहाड़ नहीं चलानी आपने, अब आपने पॉलिसी मेकिंग में जाना, वो कैसे जाएंगे हम? वो आप इसलिए जाएंगे कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर निगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद PSL। एक चीज तो नजर आ रही है शोएब, कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग, ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई है। ठीक है, लोग नाम बनाते हैं नेशनल टीम में आके और फिर असल जो पैसा है वो $100 मिलियन की सीरीज होती तो इंग्लैंड अफगानिस्तान में जा खेलता आपके साथ। बात ये क्या हुआ, पैसा को नहीं है, आप आईसीसी की तरफ देखते रहते हैं, आप आईसीसी तरफ देखते रहते हैं कि यार हमें वो पैसा देगा वर्ल्ड कप का, हम उसे घर चलाएंगे, वो घर तो चल जाएगा लेकिन पॉलिसी नहीं चलेगी आपकी। ये जो ब्लंडर किया है वेस्टर्न ब्लॉक ने आपके साथ, ये आपको डिसीव कर गए हैं। वो डिसीव इसलिए कर गए हैं कि आपको वो पूछता नहीं है, पाकिस्तान की रेलेवेंस तो है दुनिया क्रिकेट में लेकिन पैसा ना होने की वजह से आपको वो पूछता नहीं है। फिर आईसीसी ने बाउंसर बंद कर दिए, फिर उन्होंने T20 की भरमार शुरू कर दी, फिर ऐसी पॉलिसी खड़ी कर दी जहां पे पैसा 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 लगना चाहिए, जहां पे 50 ओवर होने चाहिए, एक बॉल भी मिस ना हो। अब क्रिकेट गवर्न होती है मीडिया के थ्रू, क्रिकेट गवर्न आईसीसी के थ्रू नहीं होती। अच्छा, अब वहां पे बाउंसर खत्म हो गया, बॉलर खत्म हो गए, वैराइटीज आ गई, बैट्समैनों ने 10-10, 15-15, 20-20 हजार रन कर दी, जो मैं किसी को गिनता ही नहीं, मैं 15 हजार रन आजकल किसी के।
देखो अख्तर साहब, बात ऐसी है कि दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। आप जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, केन्या जैसी टीमों के साथ खेल खेल के अपनी रेटिंग बना के रखे हो, अपने प्लेयर्स के नाम चमका के रखो, आप लोग उसी में खुश रहो। आप भूखे नंगे हो, आपका पीसी भी भूखा नंगा। आज आपने ये बात एक्सेप्ट की, हम इंडियंस को अच्छा लगा, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, वर्ल्ड कप हम ही जीतने वाले हैं। 6 बार हराया, 7वीं बार भी हराएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप जिनको सुनने वाले हैं, ये है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जिनको आज की डेट में पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है। इनको मीडिया में बुलाया जाता है, इनकी राय ली जाती है और इनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान टीम क्या करने वाली है, और ये भविष्यवाणियां भी करते हैं। फिर ये भविष्यवाणी तो सुननी हमको बनती है भाई। आप मजे लो, आपका भाई मिलेगा अब सीधा आखिर में। मोमेंटम है वो जरूर पकड़ती है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं 2019 के वर्ल्ड कप में कह रहा था पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैच हार जाएगा, भारत से, न्यूजीलैंड से, फिर अगले तीनों मैच जीतेगा, वहां से जान पकड़ेगा। और अभी से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बदला लेगा, ना आने का फिर इंडिया से फाइनल होगा। इस वक्त दुनिया तैयारी कर रही है T20 वर्ल्ड कप की। हमारे पास अभी तक यही डिबेट खत्म नहीं हुई कि हमारे कौन से 15 खिलाड़ी जाएंगे, हमारा हेड कोच कौन होगा, प्लानिंग कौन करेगा। इस वक्त गर्म मौसम में पिंडी में नेशनल T20 चल रहा है, आज का आखिरी दिन है, फिर ये मैचेस लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर हमारे पास हेड कोच होता तो वो लड़कों का वर्कलोड भी तो मैनेज करता कि भाई आप 10 से 10 मैचेस बाबर आजम को खिला रहे हैं, पता चला बाबर आजम यही अनफिट हो गए तो बाबर आजम पे तो पूरी पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है। तो इस वक्त हमारे पास ना हेड कोच है, ना हमारे पास 15 खिलाड़ियों के बारे में कोई क्लियर कट जवाब मौजूद है कि क्या यही 15 खिलाड़ी रिटेन होंगे या कोई और 15 खिलाड़ी जाएंगे। तो हम वर्ल्ड कप खेलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये जो मगूम की कैफियत है पाकिस्तान की टीम की, माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा इसी तरह तैयारी होती है। कुछ इधर होते हैं, कुछ प्लेयरों का पता नहीं होता, 5 तब्दीलियां होंगी 7 तब्दीलियां होंगी, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप में जाती है, एक आध मैच शुरू में हारती है, फिर उसके बाद इसका जज्बा उभरता है, फिर इसकी जो वाले मदर ऑफ ऑल मैचेस तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम ज्यादा गुस्सीले अंदाज से पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड टाकरे को देख रही है। आप बीइंग अ क्रिकेट एंथुसियास्ट कैसे देख रहे हैं, कौन सा मैच ज्यादा टाइट देख रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं हमारे लिए? देखिए, पहला मैच इसलिए इम्पोर्टेंट है इमरान के, वो मोरेल को बूस्ट करेगा। खुदा न खास्ता अगर हम भारत से हारते हैं तो हमारा मोरेल डाउन होगा, फिर न्यूजीलैंड के बाद भारत के बाद दूसरा मैच है। तो पहला मैच अगर हम जीत गए ना, फिर हम टेक ऑफ करेंगे। भारत 6 मरतबा में हरा चुका है T20 वर्ल्ड कप में, और मैंने हर दफा भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकल देखी है। दुआ करें इस मरतबा जब मैं दुबई में हूं तो ये ना देख सके, अल्लाह करे, अल्लाह करे। और दूसरा ये भी है कि वो शिकस्त ग्राउंड में तो टीम की होती है, लेकिन ऑन स्क्रीन हमारी और आपकी भी होती है, जब भारतीय तजियाकारों के सामने बैठना पड़ता है, जब टाकरा होता है तो टाकरे में, फिर हम टाकरे में बैकफुट पर चले जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी भी साथ जाएगा उनके, कोई कोई ऐसा जैसे धोनी की सूरत में एक मेंटोर रखा है इंडिया ने, तो कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा? अगर अभी पिछले दिनों हम लोग कुछ दोस्त, काफी दोस्त बैठे हुए थे, हमने वैसे आपस में गेस करने की कोशिश की कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को मेंटोर लाना चाहें तो कौन मेंटोर हो सकता है जी, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े नाम जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है ना। बिल्कुल। तो एक तो मसला ये कि मेंटोर के लिए आपको मेंटोर बन के दिखाना ना, हमारे बड़े नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े करके पाकिस्तान का भी नाम खराब करते हैं, अपना भी नाम खराब करते चले जाते हैं। एक तो ये मसला है कि मेंटोर के लिए मेरी नजर में तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसा मुनासिब शख्स मिल नहीं रहा जो वाकई जिसको हम कहें कि मिसाली मेंटोर बन सकता है। शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही कहा कि अपना घर सुधारो, अपने घर में जो तुम टेररिस्ट फैक्ट्री चलाते हो, जो तुमने आज़ादी दे रखी है जिहादी हो जिहादियों को, जो तुमने तालिबानों को पाल रखा है, जो तुमने टेरर कैंप चला रखे हैं इतने सारे, उन सबको बंद करो और अपने मुआशरे पे, अपनी पब्लिक पे, अपने गेम पे, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, ताकि तुम आगे बढ़ो और दुनिया के अंदर तुम्हारी भी इज्जत हो थोड़ी सी। भारत के ऊपर अपनी हर चीज़ का ब्लेम डाल के तुम साफ नहीं बच सकते। अपनी चादर को साफ दिखाने के लिए आप दूसरे की चादर को मेला दिखाओगे तो आपकी चादर साफ नहीं हो जाती है। और रही बात वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप हम ही जीतने वाले हैं, और 6 बार तुमको धूल चटाई है, 7वीं बार भी चटा देंगे।
एक कमेंट ऐसा करके जाना कि कोई पाकिस्तानी पढ़े तो उसको लगे कि मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा है। वो काम आपका है। आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपका भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब और फॉलो कर लो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।